अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, इन दिनों पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे में 5 वनडे सीरीज खेलने के लिए गई हुई है। इस टीम में तकरीबन सारे जूनियर प्लेयर हैं, चंद प्लेयर सीनियर्स हैं। इन जूनियर प्लेयर्स में से पाकिस्तानी टीम को एक ऐसा शहजादा बल्लेबाज मिल गया है जिसने पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन की कमी को पूरा कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बताते चलें, पाकिस्तानी टीम को एक बहुत तगड़ा बल्लेबाज मिल गया है जिसने साबित कर दिखाया कि वो कुछ भी कर सकता है। जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ जब पाकिस्तानी टीम वनडे सीरीज का चौथा मैच खेल रही थी तो मुबस्सिर खान ने एक शानदार सेंचुरी बनाकर पाकिस्तानी टीम सेलेक्टर्स को पैगाम दिया कि मैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। इस बल्लेबाज ने अपनी इनिंग में लगातार 15 छक्के लगाए और महज 60 बॉलों पर सेंचुरी स्कोर की। इस बल्लेबाज का कहना था कि मैं पाकिस्तानी टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। आपके ख्याल में इस बल्लेबाज को वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप पहले ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। क्या इस बल्लेबाज को मौका मिलना चाहिए या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।